तैयारी, सरकार का तैयारी तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना भयंकर तैयारी है। कि ये कोई गंगा जमुना जी का पानी का बाढ़ नहीं है, ये बारिश का पानी का बाढ़ है। मानसून सत्र है, कैसा नजारा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मानसून सत्र में मानसून देखने को मिल रहा है। मात्र एक घंटे की बारिश और बिहार की राजधानी पटना हो गई पानी पानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार विधानसभा के परिसर में। आप देख सकते हैं चारों तरफ केवल और केवल पानी ही दिख रहा है, चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है इस वक्त, और सभी जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वह विधान मंडल के अंदर में हैं और कार्रवाई चल रही है। और अब बाहर आप देख सकते हैं दरिया बना हुआ है, चारों तरफ जलमग्न हो चुका है। गाड़ी को आप देख सकते हैं कि पानी में डूब कर वह आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक दो घंटे की बारिश हुई है और उसके बाद यह हाल विधानसभा का है, विधान परिसर का है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे बिहार का की योजनाएं तय हो जाती होती है, जो जनता की समस्या होती है उसका समाधान यहाँ पर निकाला जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ से बैठकर माननीय जो हैं वो जनता के समस्याओं का समाधान करते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। चारों तरफ यानी विधानसभा का पूरा जो परिसर है वह जलमग्न हो चुका है, और इसी दरिया में होकर जो माननीय हैं वह थोड़ी देर के बाद जब कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो वह अपने घर जाएंगे। ये हाल आज का नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से है। एक घंटे की बारिश होती है और उसके बाद पूरा विधानसभा का जो परिसर है वह नदियां, एक तरीके से कहें तो दरिया बन जाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।